ओम शांति। मुरली का तारीख है 19/4/2021। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिली। प्रश्न, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर, कई बच्चे अलबेले हो कहते, हम तो बाबा के है ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते, बच्चे अगर याद में रखो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा, जैसे बांधे लिया याद में तड़फती है, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ, ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्माएं शांत स्वरूप है, तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांति है, तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं, मैं भी वहां का रहने वाला हूं। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूं, मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं, या मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो, सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे, या सूक्ष्म शरीर हमारा है, शुबाबा कहते हैं, या हमारा शरीर नहीं है, या हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। पहली पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं, उनमें भी यह ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना, श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है। रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं, अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है, वहां कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण। फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है, उनको देवी देवता कहते हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी है, या प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसीलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वहां सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है, इनका असल नाम लक्की राज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शुबाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वह नहीं है। या शुबाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शुबाबा का बच्चा है, ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे गाते हैं ना, तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शुबाबा से वर्षा लेते हो, ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता, वह ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है।
आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है, आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है, तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है, यहाँ है चैतन्य, वहां है जड़। यहाँ बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, यहाँ है ज्ञान मार्ग, वहां है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सत्युग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पूजारी मनुष्य है, फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा, यह भी तुमको बाप ने बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही काद निकलती है, योग में ही मेहनत है, योग में ही मेहनत है। बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। बांदेलिया योग में चुड़ैलियों से भी अच्छी है, वहां तो शुबाबा से मिलने के लिए दिन रात तड़पती है। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वहां याद में तड़पती है, तुम तड़पते नहीं हो। उनों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांदेलिया तड़पते तड़पते पुकारती है, शुबाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करते हैं, तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम यहाँ शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, या अंदर स्थाई खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद में खुशी में बहुत रहेंगे, याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाल मृत्यु होता आया है, दुख तो है ही है। बल कितना भी साहूकार हो, दुख तो होता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। सत्युग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुखदाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा केल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो शुबाबा ब्रह्मा के रथ में आया है, जो ब्रह्मा है वही सत्युग आदि में श्री कृष्ण का 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं मैंने इस रथ का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर। गोरे बनने के लिए द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो, एक दो को विकार देने का हतियाला
विकारी ब्राह्मण बांधते हैं, एक दो को विकार देने का हतियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम वहां कैंसल कराए ज्ञान चिता पर बिटाते हैं। काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाप कहते हैं बल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है हम विकार में नहीं जाएंगे। इसीलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं, शुबाबा बाबा भी है साजन भी है। सभी सीताओं का राम है वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, उसने संगम पर ही यह प्रालब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए शुबाबा, इस द्वारा हमको यह चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वहां है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नरसे नारायण तो कोई बनते नहीं, सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नरसे नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्युलोक 2500 वर्ष चलता है। तीजरी की कथा माताएं सुनती है, वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्मा अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने यह सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं यह सब रांग है, इसको मित्य अभिमान मित्य ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसाल हूं, तुम भी नहीं जानते थे यहां भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं, संशय बुद्धि विनश्यंति, वहां पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्मा अभिमानी बनने में ही मेहनत है। काना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, हर बात में यहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने माशुक को याद करते रहना, यहाँ अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय पुरसुत मिले याद करना है, याद से ही तुम सतो प्रदान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है, आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, हम स्वर्ग में थे अभी फिर नरकवासी हुए हैं। अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, भारतवासियों को ही समझाते हैं। बाप आते भी भारत में ही है, देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, कहते हैं शुबाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा, दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी। 21 जन्मों के लिए पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा, सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है, सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है। यहाँ दशा है वृक्षपति की, वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है, सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो बस। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट,
हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करने हैं। देह का अहंकार समाप्त हो जाए इसके लिए ही मेहनत करनी है। सेकेंड पॉइंट, सत्युगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रायल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान, बोलेपन के साथ आलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भवा। कभी कभी बोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता बोला रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप बोलानाथ के साथ आलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी बोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। स्लोगन, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अच्छा, ओम शांति।